धारचूला जो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की एक तहसील है, जिसकी सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगी हैं। यह एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों के बीच है, लेकिन दूसरी पहाड़ी जगहों की तरह सर्द नहीं। कहाँ से हैं? उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा गांव से पिथौरागढ़। पिथौरागढ़? वहाँ पे धारचूला जाते हैं। मैं कभी धारचूला में रहा हूँ। समुद्र तल से 940 मीटर की ऊंचाई पर बसा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है धारचूला। आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचुली, नारायण आश्रम के साथ दारमा, चौदास और व्यास घाटी के अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्यावलोकन करना हो तो जहां आना होगा उस स्थान का नाम है धारचूला। धारचूला के मुख्य सड़क से लगे बाजार क्षेत्र में घूमने निकलें तो आराम से चहलकदमी करते हुए आधे या पौन घंटे में एक पूरा चक्कर लगाने के बाद आप वहीं पर होंगे जहां से चले थे। बाजार क्षेत्र में मुख्य सड़क से लगे हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान और उनके पीछे हैं आवासीय भवन। सड़क के किनारे किनारे दिखेंगी वाहनों की पार्किंग और नगर के बस स्टेशन के पास तो वाहन सड़क में डिवाइडर की जगह खड़े दिखते हैं। धारचूला में रहने वाले अधिकांश लोग शौका समाज से हैं, जिन्हें भोटिया उपनाम से जनजाति का दर्जा मिला है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में व्यापार और पशुपालन से जुड़े शौका समाज के लोग सर्दियों में निचले इलाकों में जैसे धारचूला और मुंशारी में आ जाते हैं। धारचूला क्षेत्र में रहने वाले शौका रंग शौका कहे जाते हैं। और पिथौरागढ़ जिले के ही खूबसूरत स्थल मुंशारी और इसके आसपास रहने वाले अधिकांश शौका जौहरी शौका कहे जाते हैं। शौका संस्कृति को जानने के लिए रंग म्यूजियम धारचूला विजिट किया जा सकता है। धारचूला से व्यास घाटी की ओर जाते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत सहित काली नदी के उद्गम स्थल कालापानी पर तो हम वीडियो बना ही चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। धारचूला में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए मेडिकल जांच के साथ इनर लाइन पास भी बनाए जाते हैं, जिसकी प्रक्रिया की जानकारी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के वीडियो से ली जा सकती है। धारचूला पिथौरागढ़ रूट में कई स्थानों के साथ जौलजीबी भी देखने लायक स्थानों में से एक है। यहाँ काली और गोरी नदी का संगम है। वो काली नदी है सामने, वो नदी के उस साइड जो मकान बने हुए हैं, यहाँ से नेपाल लग जाता है। नवंबर में होने वाले भारत नेपाल के बीच, जिसमें पहले तिब्बत से भी व्यापारी आते थे, बड़ा व्यापारिक मेला आयोजित होता है जिसमें देश भर से व्यापारी पहुँचते हैं। इसके अलावा धारचूला का एक आकर्षण है एस्कॉट, जो अपने वन्य जीव अभयारण्य विशेष रूप से कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। धारचूला का एक और आकर्षण है पड़ोसी देश नेपाल में आसानी से घूम आना। धारचूला आए और धारचूला नहीं गए तो यह सफर अधूरा है। धारचूला भी बेहद खूबसूरत पहाड़ी नगर है। नेपाल का धारचूला नगर और भारत के धारचूला के बीच काली नदी बहती है, जिसके ऊपर एक पैदल पुल है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच नेपाल में घूम कर आ सकते हैं। नेपाल में घूमने के लिए भारतीयों को ना तो पासपोर्ट की जरूरत है ना ही वीजा लेने की। आधार कार्ड या किसी भी गवर्नमेंट इश्यूड वैलिड आईडी कार्ड के साथ नेपाल के धारचूला नगर में प्रवेश किया जा सकता है। नेपाली लोग सामान्यतः विनम्र, खुश मिजाज और सरल होते हैं। नेपाल के पारंपरिक आभूषणों से सजी एक महिला
नेपाल के धारचुला नगर से धारचुला का सुंदर व्यू। भारत और नेपाल दो देश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के सामान्य व्यवहार, गर्मजोशी और आपसी नातेदारी से इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस्कृतिक रूप से समानता होने के कारण भारत और नेपाल के परिवारों में वैवाहिक संबंध होते रहते हैं। यहां नेपाली मुद्रा के साथ भारतीय रुपये में भी खरीदारी की जा सकती है। धारचुला में भी कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लगभग सभी तरह की दुकानें हैं। ग्रोसरी का अधिकांश सामान यहाँ भारतीय शहरों से ही आता है, इसलिए भारत से कुछ महंगा हो सकता है, और जो सामान नेपाल में ही होता है वह यहाँ कम मूल्य पर खरीदा जा सकता है। भारतीय और नेपाली मीडिया में कुछ लोग जब भारत और नेपाल के बीच द्वेषपूर्ण प्रतिद्वंदिता की खबरें चलाकर लोगों को उकसाते हैं, तो उससे सबसे प्रभावित इन सीमांत क्षेत्र के लोग होते हैं, जो नेपाल और भारत से समान रूप से जुड़े होते हैं और दोनों देशों के लोगों से समान रूप से प्रेम करते हैं। कोई भी विवाद बातचीत से तय हो सकता है। मीडिया ट्रायल में आरोप प्रत्यारोप से किसी विवाद का निपटारा आज तक तो नहीं हुआ, बल्कि इससे तो समस्याएं बढ़ी हुई हैं। नेपाल भारतीयों के लिए दूसरे घर की तरह है। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से समानता के कारण यहाँ अपनापन लगता है। भारतीय लोगों के लिए बिना पासपोर्ट और बिना वीजा घूमने के साथ नेपाल में विदेशी धरती की सैर करने के आनंद की तो तुलना ही नहीं हो सकती। नेपाल में काठमांडू और पोखरा के साथ महेंद्रनगर से नेपाल की यात्रा पर बनाए हमारे वीडियो को नेपाल और भारत दोनों जगह समान रूप से पसंद किया गया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। नेपाल में धारचुला के आसपास कुछ दर्शनीय स्थलों के साथ कुछ ट्रैकिंग रूट्स भी हैं। अपने पूर्व निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के कारण जहां हम इस समय नहीं जा पाए, आप अगर धारचुला से हैं या धारचुला के उन स्थानों के बारे में जानते हैं तो कमेंट कर बताएं। पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका, गंगोली हाट, चौकोड़ी, डीडी हाट, थल, बेरीनाग, मुंशियारी, जौलजीबी, धारचुला, तवाघाट, झूलाघाट जैसे अनेकों सुंदर स्थान पिथौरागढ़ जिले में ही हैं। और पिथौरागढ़ में कितना कुछ है जानने के लिए देखें पिथौरागढ़ पर बना वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धारचुला के निकटवर्ती दर्शनीय स्थल स्क्रीन में देख सकते हैं। धारचुला से नजदीकी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ और पंतनगर है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से अभी नियमित उड़ानें नहीं है। पंतनगर एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आकर उसके आगे का सफर टैक्सी अथवा बस से किया जा सकता है। धारचुला के दो नजदीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर और काठगोदाम हैं, जिनकी दूरी स्क्रीन में देख सकते हैं। धारचुला के कुछ होटल्स, गेस्ट हाउस की जानकारी हमारी वेबसाइट popcorntrip.com/धारचुला से ले सकते हैं। अगर आप धारचुला क्षेत्र में टूर ट्रैवल या होटल होमस्टे से जुड़े हैं तो हमारी वेबसाइट पॉपकॉर्न ट्रिप के क्वेरी फॉर्म पर अपने व्यवसाय की जानकारी सबमिट कर सकते हैं। धारचुला पर बने वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है आपको भारत के धारचुला और नेपाल के धारचुला पर बना यह वीडियो पसंद आया होगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में होंगे। धन्यवाद।